हेलो नमस्ते, दिस इज डॉक्टर रमन। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन के बारे में, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे पेशेंट हैं, आजकल डाइट के बारे में बात नहीं करते, उनको वैक्सीन को लेके बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ी क्वेरीज हैं उनकी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो दो वैक्सीन्स अप्रूव हुई हैं, एक तो है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। लेट्स डू हेड टू हेड कंपेरिजन बिटवीन द टू। जो कोवैक्सीन है वो इंडिजीनस है, मीन्स ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं, जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है, और जो ये मैन्युफैक्चर हो रही है हैदराबाद कंपनी, भारत बायोटेक कंपनी, उन्होंने वो इसको जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। और जो कोवैक्सीन है, जो कोविशील्ड है, वो ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने इसे जो है बनाया है, और जो एस्ट्रोजेनिका जो है वो उनका प्रोडक्शन पार्टनर है, बट जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे का, उन्होंने जो है लाइसेंस लिया है इसको मैन्युफैक्चर करने का। तो ये तो होगी इनका एक डिफरेंस, तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस जो है टेक्नोलॉजी का, जो कोवैक्सीन है उसमें क्या है, वायरस जो है इनएक्टिव किया गया केमिकली, और वो इंडियन स्ट्रेन ऑफ वायरस है, और उस वायरस को जो है केमिकली इनएक्टिव किया, फिर कल्चर किया, और फिर जो है ये वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस की, ठीक है। तो जो सेम जो हमारे पोलियो ड्रॉप्स की जो हम पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, सेम वही टेक्नोलॉजी है, बट वो जो है कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है टेक्नोलॉजी। वो उसमें जो है लाइव एटीन्यूटेड वायरस यूज किया है, जो कि चिंपेंजी को कॉमन कोल्ड कफ या फ्लू करता है, तो वो वाला वायरस यूज किया है। कंप्लीट वायरस नहीं है, वो एक पार्ट है वायरस का, प्रोटीन उसको ऑल्टर किया गया है, उस तब उन्होंने वैक्सीन बनाई। और वो जो वैक्सीन है वो वैसे ही बॉडी में जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, टी सेल्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि किसी पर्सन को कोविड हो जाता है और एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों में सेम है, बट टेक्नोलॉजी में डिफरेंस सिर्फ यही है। अब जो एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पांडे, उनका ओपिनियन है कि जो कोवैक्सीन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो उनके हिसाब से थोड़ी बेटर है, क्योंकि उसमें पूरा वायरस यूज किया गया है, और जो कि काफी म्यूटेंट स्ट्रेन जैसे और अब आ रहे हैं कोविड के, सुनने में आ रहा है, वो उन सबको कवर करता है, तो उनकी जो है एंटीजन प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा बेटर है रेदर देन कोविशील्ड, और इस वजह से जो है वो ज्यादा जो है एफिशिएंट है, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। फिर स्टोरेज फ्रेंडली दोनों ही हैं, दोनों के दो शॉट्स देने होते हैं, 28 डेज के इंटरवल में जो है दोनों के टू शॉट्स कंप्लीट होने चाहिए, और 9 मंथ्स तक ये जो है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ताकि अगर आपको इन केस गॉड फॉरबिड कोविड होता है, तो पहले तो होगा नहीं, अगर होता है तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत कम होती हैं या नहीं होती, ठीक है। और क्योंकि अच्छा जो कोविशील्ड है उसकी टेक्नोलॉजी सेम है जो कि MMR वैक्सीन में और जो चिकन पॉक्स वैक्सीन में जो यूज की जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो सेम है। अच्छा, क्योंकि अभी इसके ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए, तो इसकी जो एफिकेसी के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट हैं उन्होंने 40,000 जो वॉलेंटियर्स पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें लगा, उनको मतलब दे क्लेम कि 70% एफिकेसी है, बट जो कोवैक्सीन है उसमें ऐसा है कि अभी तक एफिकेसी के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि थर्ड ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बट जो चाइना में वैक्सीन यूज हुई है वो टेक्नोलॉजी सेम है जो कि हमारी कोवैक्सीन की है, और 6 मंथ्स हो गए हैं उनको यूज करते हुए, तो वो दे क्लेम कि अगर 3 माइक्रोग्राम डोज दी जाती है
तो जो है एफिकेसी 70% है, और अगर 6 माइक्रोग्राम डोज दी जाती है तो एफिकेसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, दैट इज 80%। और राइट नाउ वी कांट पिन पॉइंट एफिकेसी, क्योंकि अभी तो शुरू हुई है हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है ये देना, वैक्सीन देना। तो अच्छा, और कुछ जो हैं लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो, और बिलो 16 इयर्स एज ग्रुप के जो भी बच्चे आते हैं, तो वो जो हैं उनको अभी वैक्सीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी उस एज ग्रुप में जो है अभी ट्रायल्स नहीं हुए। तो अभी जो वैक्सीन दी जाएगी वो हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और जो बिलो 16-50 ईयर्स के बीच में है, और प्रेफरेंस दी जाएगी जिन लोगों को डायबिटीज की या और कोई हार्ट प्रॉब्लम वगैरह बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को जो है ये जो है वैक्सीन जो है वो पहले दी जाएगी। और कुछ लोग जो हैं जिन लोगों को वैक्सीन से एलर्जी है ऑलरेडी, उन लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर 60-70% लोगों को भी वैक्सीन दी जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो जो है डेवलप हो जाती है। ठीक है, और जो है इसका एक, इसके बारे में एक ये मैं कहना चाहूंगी कि जो वैक्सीन है ये जिन लोगों को कोविड हो चुका है उन लोगों के लिए, उन लोगों की भी क्वेरी है कि हमें जो है ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। तो जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो अपने एंटीबॉडीज जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो एंटीबॉडीज ठीक हैं, मतलब काफी अच्छे अमाउंट में है कि जो आगे उन्हें फर्दर नहीं करवा ये इन्फेक्शन हो सकता, तो वो लोग ये शॉट्स ना लें। और अगर एंटीबॉडीज कम आ जाते हैं तो वो ये शॉट ले सकते हैं, और जो है वो रिकवरी के 40 डेज के बाद जो है, इनकेस किसी को कोविड होता है तो वो रिकवरी के 40 डेज के बाद जो है ये वैक्सीन ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल वैक्सीन के बारे में जो है इतना ही मुझे मालूम है, या जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आई होप यू विल लाइक इट, और जो है कोई लेटेस्ट अपडेट होगी आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। बाय बाय।